पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन, हरियाणा के मुख्यमंत्री का जताया आभार और कहा एसोसिएशन ने सरकार का करोड़ों का फायदा करवाया। पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन के व्यापारियों और दुकानदारों की एक अहम मीटिंग एसोसिएशन चेयरमैन संतराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर एसोसिएशन के चेयरमैन संतराम शर्मा ने कहा कि सभी दुकानदारों और व्यापारियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आभार जताते हुए कहा है कि पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार का करोड़ों रुपए का फ़ायदा करवाया है, क्योंकि जो आरयूबी का काम 11 करोड़ रुपए में होना था, वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग इसे 27 करोड़ में करवाना चाह रही थी और पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन ने पिछले 20 दिनों तक जो विभाग के खिलाफ धरना दिया था और यह मंजूरी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दे दी है और यह कालका पिंजौर के इतिहास में लिखा जाएगा। जैसे कालका में माँ कालिका ने कालका का मुख्य बाजार बचाया था, उसी तरह पिंजौर कालका के मध्य रेलवे फाटक पर बनने वाले आरयूबी में पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन की एक अहम भूमिका रही है। इसके लिए सभी दुकानदारों और व्यापारियों ने हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम का आभार जताया है। ये 2 साल का संघर्ष नहीं है, ये कालका का इतिहास लिखा गया जो कि सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। इससे पहले कालका में बाजार गिराने का जो सिलसिला चला था वो मेरी माँ कालिका ने कालका बाजार को बचाया था, वो भी आज तक याद रखा जाता है। और ये कालका के इतिहास में, कालका पिंजौर के इतिहास में माँ कालका की कृपा से जो भी हमारे क्षेत्र में देवी देवता हैं, बालाजी मंदिर, महाकाली कालका जी, हमारे खेड़ा बादशाह जी, ये इन शक्तियों के प्रताप से इन दुकानदारों की आज जो बात है सुनी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी का, अजय शर्मा जी का, उनके प्रयासों से जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुकानदारों की सहमति से और जो पिछले 2 साल से पिंजौर वेलफेयर कालका पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन जिसमें जो दुकानदारों ने पहले भी धरना लगाया था वह उस समय भी हमारी मांग मानी गई थी, आज भी जो धरना लगाया गया 20 दिन धरना चला है और इस धरने का जो है एक रिकॉर्ड बना है कि इसमें 25 से लेकर 30 एसोसिएशन नंबरदारों की, सरपंच की एसोसिएशन, धार्मिक संस्थाएं सब ने आकर हमें समर्थन दिया कि दुकानदारों की और पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन की जिनकी अगुवाही में ये धरना चल रहा था भी ये जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमने कहा कि गवर्नमेंट के 15 करोड़ रुपए भी बचते हैं, दुकानदार भी खुश हैं, तो ये हमारी मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली है और सरकार के पैसे भी बच गए हैं, तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं। और इसके लिए जो है हमारी जो गठबंधन में जजपा पार्टी है उनके सहयोग से ये सिरे चढ़ा है, उनका भी सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा रहा है, भाग सिंह दमदमा जी का भी सहयोग, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, माननीय दुष्यंत चौटाला जी का भी धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल हमें जो है आश्वस्त किया कि उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से सहमति ली है क्योंकि डिपार्टमेंट उनके पास है। लेकिन मेन इसमें देखने वाली बात है कि आपने देखा होगा बाजार में दुकानदार जो भी इसमें अफेक्टेड थे उनके चेहरे जो हैं आज खिले हुए हैं।